जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला से संबंधित ये 10वां वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो नंबर 10 है ये, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो हैं कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो नंबर 10 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार MF हुसैन को उनके लिए जाना जाता है। तो MF हुसैन जो हैं उनको किस लिए जाना जाता है? मोटा तथा सशक्त रेखांकन खींचने के लिए उनको जाना जाता है। मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए MF हुसैन को जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 455, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक इनको 1861 में बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 456, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका जो है, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका यहाँ पे जो आंसर है मुंबई है। राइट आंसर ए। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली होना, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 457, इनमें कौन शिल्पी व्यक्ति चित्रकार भी है? तो इनमें कौन है जो व्यक्ति चित्रकार भी है? रमेश बिष्ट जो हैं ये हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 458, इनमें कौन राजनेता कार्टूनिस्ट भी हैं? तो कौन थे वो? बाल ठाकरे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459, मानव कला के माध्यम से स्वयं को अव्यक्त करता है, ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है इसको। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 460, आधुनिक भारतीय भूचित्रण के चित्रकार को बताइए, तो ये किसने किया है? राम कुमार ने। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राम कुमार बनारस सीरीज बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 461, आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है? तो आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है? इलाहाबाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462, उस कलाकार का नाम टिक करें जिनके चित्र मुगल अनपढ़े सुहेली लिखा, लेकिन अनवरे सुहेली चित्रों से प्रभावित थे। तो किसके थे ये? अनुपम सूद। राइट आंसर यहां पे सी। क्वेश्चन नंबर 463, उस महिला शिल्पी को टिक करें जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई,
तो विशाल धातु मूर्तियां किसने बनाई है? लतिका कट जो है, ये राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष जो हैं जय किशन अग्रवाल, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 465, यहाँ पे 465 क्वेश्चन दिया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 467, 66 भी नहीं दिया, 467 दिया है। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया। तो किसने किया था? अमोल पालेकर, राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 468, बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? तो बिंदु किससे संबंधित है? ये बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये जो है वीरेन डे यहां पे दिया हुआ, तो यहां पे राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 468 जो है, बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये रजा का भी बिंदुवादी चित्रकार, रजा जो है ये भी बिंदु को लेकर चित्रण किए हैं, तो यहाँ पे ये भी आंसर होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे राइट आंसर सी होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? मुझे लग रहा है ये रजा से संबंधित है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 469, एमएफ हुसैन ने हाल ही में किस अभिनेत्री का चित्र बनाया है? तो किसका बनाया है? तब्बू का, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 470, धनराज भगत ने काम किया है, धनराज भगत ने किस में काम किया है? मिक्स मीडिया में, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 471, पीलू उचकान वाला किन सामग्रियों के मेल से शिल्प बनाती थी? तो किससे बनाती थी वो? पत्थर एवं एल्युमिनियम, राइट आंसर यहां पे ए। क्वेश्चन नंबर 472, अजंता चित्रों से प्रभावित चित्रकार, अजंता चित्रों से प्रभावित चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 473, पुनर्जागरण के समय की ड्राइंग बनाने की प्रचलित तकनीक क्या है? चारकोल से वो ड्राइंग बनाते थे, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 474, प्रोफेसर एनएस बेंद्रे के चित्रों का आधार क्या है? क्यूबिस्ट शैली, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 475, सरबरी राय चौधरी को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? पोर्ट्रेचर के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 476, डांस ऑफ शिवा किसने लिखा? तो ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखा गया है, आनंद केंटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 477, ज्येष्ठता के हिसाब से कौन सा अनुक्रम सही है? ज्येष्ठता मतलब बड़े के हिसाब से आपको बताना है, तो यहां पे जी के माजे, डी पी राय चौधरी,
सदानंद बकरे लिखा है, कहीं कहीं बाकरे आता है, एन एच कुलकर्णी। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 478, सही जोड़े को चुने। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं ये वास पेंटिंग से संबंधित वास शैली के जन्मदाता हैं, नंदलाल बोस ये टेम्परा चित्र के लिए जाने जाते हैं, अमृता शेरगिल जो हैं ये तैल चित्रण के लिए जाने जाते हैं, डीपी राय चौधरी जो है ये मूर्ति के लिए जाने जाते हैं, कांस में ये मूर्तियां भी बनाए हैं। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 479, उनके स्कूल के अनुसार निम्न के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर प्रदोष दास गुप्ता जो है ये कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप से संबंधित थे, भावेश सान्याल जो हैं ये शिल्पी दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, एफ एन सूजा जो हैं ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य हैं। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480, राजा रवि वर्मा के चित्रों को बनाया गया, तो ये आलियोग्राफ में उसको बनाया गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 481, राम किंकर बैच की संथाल फैमिली प्रारंभ में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। राम किंकर बैच की संथाल फैमिली प्रारंभ में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, इसमें तो प्रारंभ में ये मिट्टी में था, तो यहां पे राइट आंसर ए है। वैसे इनकी संथाल फैमिली जो है सीमेंट और कंक्रीट में अभी जो वर्तमान में है शांति निकेतन में ये रखी हुई है, उसके कैंपस में है, ये सीमेंट और कंक्रीट में बनी है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। क्वेश्चन नंबर 482, दृढ़ कथन ए, रमेश पटेरिया एम धर्मानी बलबीर सिंह कट ये सब ने अमूर्त पत्थर से काम किया, तो ये सही है। कारण आर, रमेश पटेरिया ने अमूर्त मूर्तियां और बाकी ऊपर लिखे मूर्तिकारों ने अधिक मानवाकृतियां बनाई हैं ना कि अमूर्त, तो ये गलत है, ये आंशिक रूप से यहाँ पे सही है थोड़ा। तो हमारा राइट आंसर जो है ए सही, आर आंशिक सही है। क्वेश्चन नंबर 483, चार शिल्पकारों को वरिष्ठता के क्रम में रखें। तो वरिष्ठता के क्रम में रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएंगे प्रदोष दास गुप्ता वरिष्ठता के क्रम में पहले पे जो हैं वो प्रदोष दास गुप्ता हैं, और दूसरे पे चिंतामणि कर ये दूसरे पे आएंगे, तीसरे पे जो है शंखो राय चौधरी आएंगे, और चौथे पे एम धर्मानी आए। इस तरह से राइट होगा, प्रदोष दास गुप्ता चिंतामणि कर शंखो चौधरी फिर एम धर्मानी। क्वेश्चन नंबर 484, इनमें से कला समीक्षक को चुनिए। तो कला समीक्षक कौन है, केशव मल्लिक जो है ये कला समीक्षक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 485, कथन ए, राम किंकर बैज भारतीय हिंदू मंदिर शिल्प से प्रेरित थे, तो ये गलत है।
तर्ककार राम किंकर बैज एक पारंपरिक मूर्तिकार थे, ये सही थे। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 486, वरिष्ठता की दृष्टि से सही क्रम में लिखिए। तो यहां पर सबसे पहले प्रदोष दास गुप्ता, पीवी जानकी राम, शर्वरी राय चौधरी, लतिका कट। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 487, भारत के कला महाविद्यालय का सही क्रम बताइए। 487, इसका जो राइट आंसर होगा बी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास पहले है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट और क्राफ्ट कलकत्ता दूसरे नंबर पे है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई तीसरे पे और शांति निकेतन चौथे नंबर पे है। इस तरह से राइट आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 488, निम्नलिखित संग्रहालय कौन से शहर में है, कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संग्रहालय जो है ये कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम, भारत भवन जो है ये भोपाल में है, सालारगंज संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई में है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 489, सही युग्म को मिलाइए। तो धनराज भगत जो है इन्होंने बनाया है बांसुरी वादक, राम किंकर बैद जो है इन्होंने सुजाता बनाया, डीपी राय चौधरी इन्होंने दांडी यात्रा बनाया, प्रदोष दास गुप्ता इन्होंने बॉन्डेज बनाया। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 490, कौन से कलाकार की कृत की नीलामी में अधिकतम बोली लगी। किसके में लगी थी, तैयब मेहता। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 491, काली घाट चित्र कहाँ के हैं। तो काली घाट जो चित्र हैं ये कलकत्ता के हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 492, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम। तो यहाँ पे बलबीर सिंह कट जो हैं एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493, चित्रकार जो प्रसिद्ध आर्किटेक्चर है, तो कौन है इनमें से, सतीश गुजराल। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494, यक्षी की मूर्ति किसने बनाई। तो ये राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495, कौन से दो नाम एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कौन से दो नाम है जो एक दूसरे से संबंधित है, एम एफ हुसैन तथा माधुरी दीक्षित, इन्होंने माधुरी दीक्षित का पोर्ट्रेट बनाया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 496, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे डीपी राय चौधरी पहले, देवी प्रसाद राय चौधरी, भावेश सान्याल, उसके बाद राम किंकर बैज, फिर धनराज भगत। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 497, सही युग्मों को मिलाइए। तो अमृता शेरगिल जो हैं एक चित्रकार हैं, मेधा पाटेकर जो हैं ये समाज सुधारक हैं, गीता कपूर एक कला समीक्षक हैं, बरखा दत्त तो ये जो हैं टीपी पत्रकार हैं। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 498, सही युग्म को मिलाइए। राष्ट्रीय मंची कला केंद्र तो ये मुंबई में है, भारत भवन जो है ये भोपाल में है, गढ़ी कार्यशाला जो है दिल्ली में है,
और हुसैन दोषी गुफा अहमदाबाद, तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 499, सही युग्म को मिलाइए। इम्प्रेशन के साथ ड्राइंग का प्रयोग, तो ये पलानी अपन है, इसका राइट आंसर सी है। कैलीग्राफी प्रिंटिंग के लिए मेटल फाइल का प्रयोग, तो ये जयंत पारिक है। मदर टेरेसा का मुख्य सेरीग्राफी का प्रयोग किया गया, तो ये जो है MF हुसैन है। ऑलियोग्राफी इम्प्रेशन का प्रयोग, तो ये राजा रवि वर्मा से संबंधित है, तो इस तरह से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं।